आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे हैं वीकेंड चर्चा। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव है, जिसके लिए सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। सब अलग अलग मुद्दों के साथ मैदान में हैं और अलग अलग वर्ग को साधने में लगे हैं। कई दावे और वादे किए जा रहे हैं, अपने अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं। साथ ही विपक्ष सरकार पर निशाना साधने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा है। राजनीति चरम पर है इस वक्त। प्रदेश में कई राजनीतिक पार्टियां अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही हैं। इन सबके बीच मोड़ तब आया जब कांग्रेस ने अपना महिलाओं के लिए घोषणा पत्र जारी किया। इसको देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस सबसे अलग मुद्दा उठा रही है, महिलाओं के सहारे अपनी नैया पार करने की कोशिश में है। तो प्रियंका गांधी अपनी नैया पार करने की कोशिश कर रही हैं महिलाओं के सहारे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने घोषणा पत्र को जारी करते हुए कहा, पिछले कई महीनों में उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने प्रदेश भर की महिलाओं से सलाह मशवरा किया और उनके लिए कई नई राह बनाने का खाका तैयार किया। शक्ति विधान गृहिणियों, कॉलेज की लड़कियों, आशा और आंगनबाड़ी बहनों, स्वयं सहायता समूह की बहनों, शिक्षिकाओं और प्रोफेशनल महिलाओं की आवाज का प्रतिबिंब है कांग्रेस। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, महिलाएं अब अन्याय सहने को तैयार नहीं है, इसलिए हमने महिला घोषणा पत्र बनाया है। इसके 6 हिस्से हैं, स्वाभिमान, स्वावलंबन, शिक्षा, सम्मान, सुरक्षा और सेहत। और इन्हीं सब के साथ कांग्रेस सत्ता में आना चाह रही है। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति अब अलग ही रंग रूप लेती हुई नजर आ रही है, जहां हर बार ये देखा गया है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति धर्म जाति पर आधारित रहती है, इन्हीं मुद्दों पर शुरू होकर खत्म हो जाती है। तो वहीं इस बार विकास का मुद्दा देखने को मिला बीजेपी की तरफ से, तो कांग्रेस भी पीछे नहीं हटी। कांग्रेस की तरफ से उत्तर प्रदेश का मोर्चा संभाल रही प्रियंका गांधी वाड्रा ने महिलाओं का मुद्दा उठाया है, महिलाओं की समस्याओं को उठाया है और महिलाओं को साथ लेकर चलने की बात कही है। जहां 40% आरक्षण देने की बात कही है प्रियंका गांधी ने, और तमाम ऐसे दावे और वादे किए हैं कि उनकी सरकार बनने के बाद जिससे महिलाओं का कल्याण होगा। तो महिलाओं के साथ आगे बढ़ने और अपनी नैया पार कराने की पूरी कोशिश में नजर आ रही है प्रियंका गांधी वाड्रा। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव 2022 के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है और इसके लिए पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मोर्चा अपने हाथ में लिया है। यूपी चुनाव में महिलाओं को 40% टिकट देने का ऐलान कर चुकी है प्रियंका गांधी, जिन्होंने 8 दिसंबर को एक बड़ा दांव चला और महिलाओं के लिए अलग घोषणा पत्र जारी किया। प्रियंका गांधी ने महिलाओं के लिए कई घोषणाएं की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, पिछले कई महीनों में उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने प्रदेश भर की महिलाओं से सलाह मशवरा किया और उनके लिए नई राह बनाने का खाका तैयार किया। शक्ति विधान महिलाएं हो, कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां हो, आशा हो, आंगनबाड़ी हो या फिर कोई भी स्वयं सहायता समूह की बहनें हो, शिक्षिकाओं हो, प्रोफेशनल हो, सभी के लिए आवाज उठाने की बात कही और कांग्रेस को प्रतिबिंब बताया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई बातें कही और उन्होंने बताया कि 6 हिस्सों में वो महिलाओं के लिए काम करेंगे, जिसमें महिलाओं को आत्मनिर्भर स्वावलंबी बनाया जाएगा। तो तमाम तरह के दावे और वादे किए जा रहे हैं। तो जहां कांग्रेस ने महिलाओं का दामन थामा है, तो वहीं एक दूसरी तरफ बीजेपी है जो महिलाओं के लिए काम करने का दावा और वादा करती है, महिलाओं को सुरक्षित वातावरण देने की बात करती है, महिलाओं के लिए जो तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, वो चाहे सुरक्षा से संबंधित हो, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश हो, तमाम चीजों को लेकर कई दावे और वादे किए जाते हैं बीजेपी की तरफ से। और बीजेपी लगातार महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात भी कह रही है, लेकिन जो आरक्षण की बात सामने आई है कांग्रेस की तरफ से, उसने एक अलग ही रुख ले लिया है। तो सवाल कई है कि क्या महिलाएं नैया पार लगाएगी, क्योंकि जिस तरह से पुराने चुनाव के आंकड़े देखने को मिले थे तो बीजेपी को अच्छा खासा असर हुआ था महिलाओं से, जहां
मुस्लिम समाज को लेके चला भी था बीजेपी और इसका भी काफी फायदा देखने को मिला था। तीन तलाक खत्म हुए थे तो जब तीन तलाक खत्म हुए उसके बाद चुनाव हुए तो उसका असर भी देखने को मिला था। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, सुरक्षित वातावरण देने के लिए जितने कदम उठाए गए बीजेपी की तरफ से, जितने दावे और वादे किए गए उसके आधार पर भी बीजेपी को महिलाओं का अच्छा वोट बैंक मिला। तो अब इसी को देखते हुए प्रियंका गांधी भी क्या महिलाओं को साथ लेके चल रही है या फिर प्रियंका गांधी के बाद पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है क्योंकि जाति और धर्म के आधार पर वो जा नहीं सकती हैं। और बात है उत्तर प्रदेश की राजनीति की तो जाति और धर्म के आधार पर पहले ही पार्टियां बटी हुई हैं और कोई और मुद्दा, बात करें विकास की तो विकास के मुद्दे को बीजेपी ने पकड़ा है और तमाम विपक्षी पार्टियां भी अलग अलग मुद्दे को लेकर चल रही हैं। किसान मुद्दे की बात करें तो वो खत्म हो चुका है। ऐसे ही कई मुद्दे हैं जो कि अब इतने कारगर साबित नहीं हो रहे, वो चाहे महंगाई का हो या फिर किसान मुद्दा हो। तो अब बचा मुद्दा महिलाओं का, तो महिला वर्ग को लेकर आगे चलना चाह रही हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, जहां दिल्ली मॉडल की बात भी उत्तर प्रदेश में सामने आई कि फ्री बिजली और फ्री पानी दिया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा, विकास किया जाएगा। बीजेपी की तरफ से भी ये बात सामने आई कि रोजगार दिया जाएगा और रोजगार के साथ साथ विकास किया जाएगा। तो विकास के मुद्दे को तवज्जो दी जा रही है बीजेपी की तरफ से। वहीं अगर बात करें सपा की, जो इस वक्त कांटे की टक्कर दे रही है बीजेपी को, तो अगर बात करी जाए सपा की तो सपा भी विकास के मुद्दे को और साथ ही खासतौर से युवाओं को साथ लेकर चल रही है, क्योंकि युवाओं को साथ लेकर इसलिए भी चल रही है, कई दावे और वादे किए गए हैं। जैसे पहले भी हमने देखा था कि उत्तर प्रदेश में अपने शासन काल में सपा सरकार ने लैपटॉप वितरण किया था और इसी को लेकर आगे चल रही है सपा। महिलाओं के मुद्दे पर भी बात करती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बदलाव, कांग्रेस ने किया 40% सरकारी नौकरी का वादा, बीजेपी कर रही महिला सुरक्षा का दावा, महिलाओं का वोट किधर, जाति धर्म विकास के बाद अब महिला कार्ड, क्या महिलाएं लगाएंगी नैया पार? सवाल यही है, क्या महिलाएं लगाएंगी नैया पार? तो कांग्रेस की नैया पार लगाने के लिए महिलाओं का सहारा लिया जा रहा है। स्वाभिमान, स्वावलंबन, शिक्षा, सम्मान, सुरक्षा और सेहत की बात करी जा रही है और इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज हमारे साथ चर्चा के लिए दो मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी से हमारे साथ देशबंधु दीक्षित जी जुड़े हैं और कांग्रेस से हमारे साथ प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता जी जुड़ी हुई है। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पे। तो देशबंधु जी, सबसे पहले मैं आपके साथ सवाल करना चाहूंगी कि जिस तरह से कांग्रेस ये मुद्दा लेकर आई है, महिलाओं को लेकर आगे चल रही है, क्या कहेंगे इस पे? आपको कहना, आपको मेरी आवाज आ रही है भाई? जी जी देशबंधु जी। जैसा कि आपने देखा कि पिछले 74 सालों, 47 से लेकर उत्तर प्रदेश में ज्यादातर इनकी ही सरकारें रही जी। और हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या जी। 74 साल में इन्हें कभी भी 50% जो आधी आबादी का ख्याल नहीं आया। और प्रियंका गांधी के पति देश के सारे भ्रष्टाचारों में लिप्त पाए गए और खुद बेल पे आजाद होकर आज स्वतंत्र होकर घूम रहे हैं, तब इन्हें महिला की याद नहीं आई, महिला सुरक्षा की नहीं आई। अब केवल यह चुनाव का स्टंट है और छदम दिखावा है। 4 महीने 6 महीने चुनावी बेला के बाद प्रियंका गांधी फिर अपने कमरे में ऐड हो जाए, बंद हो जाएंगी और यह सब इनका जो है छलावा काम नहीं आएगा। जनता जनार्दन सब जानती है देशबंधु जी, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि काफी लंबे समय के बाद ये एक अच्छा मुद्दा उठाया है कांग्रेस ने और कांग्रेस कम से कम महिलाओं के बारे में सोच रही है, क्योंकि अन्य पार्टियां, वो चाहे बीजेपी की बात करें, बीजेपी विकास के बारे में बात कर रही है, महिलाओं के लिए क्या कर रही है? सबसे पहले तो इसका जवाब दीजिए। देखिए प्रियंका जी, आपने जो कहा कि महिला के, प्रियंका जी जो आपने कहा, जो छेड़ा कि हमारे जो है विपक्षियों ने, आप यह देखिए हमारी पार्टी जो है सबका साथ सबका विकास के नारे पे चलती है। आज संसद में चाहे प्रतिनिधित्व देने वाली की बात हो जी। चाहे उत्तर प्रदेश के यशस्वी श्रद्धे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हो, हमारी ही पार्टी ने सबसे ज्यादा महिलाओं को टिकट दिया, प्रतिनिधित्व दिया, यहाँ तक कि हमारे उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी
माननीय महिला है, इससे पहले इनसे पूछिए इन्होंने कितनी महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया, या केवल चुनावी स्टंट है और इनके खोखले वादे हैं। धरातल पर यह कहीं नहीं जाती है, केवल कमरे में बंद रख के ट्वीट करना और खोखलेबाजी, ये जुमलेबाजी यूपी की जनता सब जानती पहचानती है। आगामी आने वाले चुनाव में इनका हश्र आपको धरातल पर देखने को मिलेगा। सुरक्षा की बात कर रही है कांग्रेस, अब सुरक्षा के साथ साथ कई वादे भी किए जा रहे हैं। बीजेपी भी बात करती है महिला सुरक्षा की, लेकिन अपराध तो वैसे के वैसे ही है, वो चाहे उत्तर प्रदेश में हो या बाकी जगह हो। उत्तर प्रदेश में जिस तरह के अपराध देखने को मिल रहे, क्या कहेंगे? आपकी जानकारी के लिए बात बता दूं, आपने यूपी में अपराध की बात की, तो जिस दिन से 2017 में हमारी श्रद्धेय मुख्यमंत्री ने शपथ ली, उसी दिन से अपराध के लिए जीरो टॉलरेंस नीति का पालन किया गया। आपने देखा मुख्यमंत्री ने सबसे पहले कैबिनेट में ये क्या नाम है, युवाओं के लिए जो युवा कार्यकर्ता सड़कों पर चलती महिलाओं और बेटियों को छेड़छाड़ करते हैं उनके लिए जो है स्पेशल टास्क फोर्स की, और जो है विभिन्न प्रकार के अपराधों के लगाम लगाने के लिए आपने देखा त्वरित कार्रवाई की। आज गुंडे माफिया या तो जेल में है या उनको ऊपर जाने का रास्ता दिखा दिया गया है जी। और महिला सुरक्षा हमारे राज्य में सबसे बढ़िया है, आप आंकड़े उठा के देख लें, पिछली सरकारों में जिसे गुंडे की सरकार हो, चाहे हमारी सपा की सरकार हो, चाहे बसपा की सरकार हो, इन लोगों ने अराजकता फैलाई थी। महिलाओं की सुरक्षा की बात करी जा रही है और कहा जा रहा है कि अपराध कम हुए हैं, लेकिन यहाँ पे तो आजकल पुलिस वाले ही अपराध करते हुए गुंडागर्दी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसमें क्या कहेंगे? नहीं, इस बात पर मैं आपका कहना चाहता हूँ, एक दो अपवाद हो सकते हैं और उस पर हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि अगर कोई भी गलत का अपराध करते पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये हमारे मुख्यमंत्री का आदेश है और हमारी महिलाएं हमारे मुख्यमंत्री के राज में स्वतंत्र हैं और अपराध कम हुआ है और अपराध से हमारी सरकार कोई समझौता नहीं करेगी जी। तो इस पे तो हम आगे चर्चा करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस से प्रियंका गुप्ता जी भी जुड़ चुकी हैं। प्रियंका जी, सिर्फ महिलाओं के लिए 40% सरकारी नौकरी देने की जो बात कही गई है, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में किन किन चीजों को शामिल किया है महिलाओं के लिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये जो बीजेपी के प्रवक्ता है ये कह रहे हैं कि जो है इन्होंने महिलाओं के लिए बड़े बड़े काम कर दिए, तो आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ, उससे पता चल जाएगा कि कितने महिलाओं के लिए काम किए। इनका जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है उसका 80% बजट सिर्फ प्रचार और प्रसार में खर्च किया गया जी। उसको किसी जमीनी जो है किसी भी स्कीम का जमीनी लेवल पर पहुंचने के लिए उसका कितना परसेंट खर्च होना चाहिए, ये यहाँ पर बैठे हैं बीजेपी के प्रवक्ता वही बता रहे। दूसरी बात अपने समय में बता दे चुना क्योंकि आपके पास बताने के लिए कुछ है नहीं। मैं दूसरी चीज बता रही हूँ कि जिस तरह इन्होंने कहा कि यूपी में महिलाएं सुरक्षित है, तो देखिए हाथरस की बच्ची के साथ क्या हुआ, उन्नाव की बच्ची के साथ, ये आप ही गवर्नमेंट में हुआ और आप अच्छी तरह से वाकिफ होंगे कि क्या क्या केसेस है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि अभी देखिए पुलिस वाले किस तरह से जो है जो ह्यूमन राइट वायोलेशन है उसमें उत्तर प्रदेश अव्वल नंबर पर पिछले लगातार 3 सालों से। आप देखिए कि पुलिस के द्वारा किए गए अत्याचारों की लिस्ट कितनी लंबी हो चुकी है, अभी जिसमें जो है मनीष गुप्ता की हत्या हुई, उसके बाद आप देखिए कल का वीडियो वायरल हुआ था उसने एक बच्ची को हाथ में लिए हुए बिल्कुल एक व्यक्ति को डंडे से पिटाई जा रही है। तो ये एक ऐसी गवर्नमेंट हो चुकी है आज की डेट में जिसमें करुणा और दया और किसी चीज की कोई जगह नहीं है, ये सिर्फ तानाशाह गवर्नमेंट है। मतलब इनके हिसाब से चलेंगे तो ठीक है, इनके हिसाब से नहीं चलेंगे तो आप गलत हैं, आप जो है राष्ट्र विरोधी। दूसरी चीज मैं ये बताना चाहूंगी कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने महिला के लिए एक स्पेशल महिला शक्ति विधान घोषणा पत्र जो है लॉन्च किया, जो माननीय प्रियंका गांधी जी ने लॉन्च किया, उसमें महिलाओं के लिए स्पेशली एक ताकत दी गई है, महिलाओं को ऐतिहासिक रूप से सशक्त बनाने का एक जो उद्देश्य है वो प्रियंका गांधी जी का है जी। इसमें देखिए कई तरह की चीजें हैं और सबसे पहली चीज उन्होंने जो अभी तक पूरी कर दी है वो ये है कि 40% टिकट में भागीदारी, विधानसभा चुनाव में 40% महिलाओं को हिस्सेदारी दी जा रही है कि वो इलेक्शन लड़े और जीते, तो ये एक बहुत बड़ी ताकत है जो महिलाओं को दी जा रही है। क्योंकि आप देखिए कि किस तरह से महिलाओं का जो परसेंटेज है जो विधानसभा में है या जो जितने भी राजनीति में है वो बहुत कम है, ऑलमोस्ट 14% के बराबर है।
तो उसको हमें बढ़ाना होगा, तभी जाकर महिलाओं की आधी जो आबादी है उसको सशक्तिकरण मिल पाएगा। जी प्रियंका जी, कितनी सीटें देने वाली है आगे आने वाले चुनावों में महिलाओं को, प्रियंका गांधी या फिर हम कहें कांग्रेस की तरफ से कितनी सीटें देने वाले हैं? देखिए 40% तो घोषणा की गई है कि उत्तर प्रदेश में 40% सीटें जो है महिलाओं को दी जाएंगी, और इसी के साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि महिलाओं को 40% जितनी भी नई नौकरियां हैं उसमें भी आरक्षण दिया जाएगा, जो बस में यात्रा है वो भी फ्री दी जाएगी, परिवार में पैदा होने वाली प्रत्येक बच्ची के लिए एफडी दी जाएगी, जो बुजुर्ग और विधवा महिलाएं हैं उनको 1000 रुपए पेंशन दी जाएगी, रोजगार के लिए भी विशेष प्रशिक्षण दिए जाएंगे जो महिलाओं का जो है कम जिनकी जो है विधवा हो गई है, और प्रत्येक ग्राम में महिला पंचायत की व्यवस्था होगी, क्योंकि अभी तक जो पंचायत होती थी वो पुरुषों से होती थी, जबकि महिलाओं को हमने बहुत पहले अधिकार दिया था कि ग्राम प्रधान बन सकते, उसमें भी हमने उनको 33% आरक्षण आज नहीं बहुत पहले दे दिया। तो महिलाओं के लिए अगर उत्थान की बात अगर किसी पार्टी ने की है तो वो सिर्फ मात्र एक ही पार्टी है, कांग्रेस पार्टी। आप देखिए ये बीजेपी की विचारधारा क्या है, ये कपड़ों पर टिप्पणी करते हैं, ये क्या पहनना चाहिए, किस जींस कैसी जींस पहननी चाहिए, उसकी मानसिकता डिसाइड करते हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये वो पार्टी है जो महिला विरोधी पार्टी, इनकी पार्टी में आज तक कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला नहीं है, तो ये महिलाओं के हमेशा से विरोधी रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि जैसे कि मैंने बताया कि महिलाओं के लिए जमीन स्तर पर कोई काम नहीं, उसके लिए आपको प्रमाण की आवश्यकता है। आप देखिए किस तरह से बलात्कार के केसेस हों या अपहरण के केसेस हों, ये सब केसेस उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। आप एनसीआरबी का डेटा उठा लेंगे आपको तुरंत पता चलता है। तो इन्हीं सारी चीजों को लेकर, क्योंकि प्रियंका जी ने जमीनी स्तर पर महिलाओं से संपर्क किया है, हर एक महिला हर एक परेशान व्यक्ति से वो मिली है और उनके संघर्ष में उनके साथ खड़ी है। पिछले 4.5 साल के कार्यकाल में अगर देखा जाए तो एक विपक्ष पार्टी और एक विपक्ष की जो नेता है वो लगातार सड़कों पर संघर्ष कर रही है, और महिलाओं के लिए स्पेशली वो बढ़ चढ़ कर बोल रही है क्योंकि उन्हें महसूस हो रहा है कि महिलाओं को आवश्यकता है। जिस तरह उन्होंने कुछ बच्चियों से मिली तो उन्होंने परेशानी समझी कि स्मार्टफोन की कमी है, एक स्कूटी की कमी है जिससे उन्हें सशक्त बनाया जा सकता है, जिसमें वो अपने सपने पूरे कर सकते हैं। ये सारी महिलाओं के लिए तो काम किया जा रहा है, अगर आपकी सरकार आती महिलाओं के लिए तो काम करेंगी, लेकिन पुरुषों के बारे में कौन सोचेगा, क्योंकि इस वक्त देश में ऐसे कई पुरुष भी हैं जो बेरोजगार हैं। हम ये नहीं कह रहे कि महिलाओं के लिए काम ना करिए, लेकिन पुरुषों के बारे में कौन सोचेगा, सिर्फ महिलाओं के लिए ये सारी नीतियां लेकर आना? नहीं, देखिए आप पुरुषों की बात कर रही हैं तो मैं कहूंगी रोजगार, उन्होंने 20 लाख रोजगार देने का वादा किया है, उस 20 लाख रोजगार में उन्होंने 40% नौकरियां जो है महिलाओं को देने की बात की, उन्होंने कोई ऐसा सेग्रीगेशन नहीं किया है, परंतु महिलाएं वाकई में बिछड़ी हुई, तो आज उनको हमें आगे बढ़ाना होगा, इसलिए उसके लिए कुछ स्पेशल कदम उठाने पड़ेंगे ताकि वो खुद में सशक्त हो सके और अपने अधिकारों के लिए खुद अपनी आवाज बुलंद कर सके, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। जिस तरह से पुलिस बल में महिलाओं की संख्या बढ़ाई जाएगी, 25% नौकरियां जो है पुलिस बल में महिलाओं को दी जाएगी, तो उससे क्या होगा कि महिलाओं को सशक्तिकरण मिलेगा, महिला दूसरी महिला के लिए काम किया जा रहा है वो तो अच्छी बात है, लेकिन क्या सिर्फ कांग्रेस का फोकस महिलाओं के लिए है? नहीं, जैसा कि मैंने कहा कि बेरोजगारी फोकस है कांग्रेस का, किसानों की समस्या फोकस है, महंगाई को लेकर एक विशेष बड़ी और महारैली होने जा रही है जो राजस्थान में होने जा रही है, तो वो एक रैली जो है हमने जो है करने जा रहे हैं, बड़े स्तर पे की जा रही है, देश भर से सारे नेता वहां पर जा रहे हैं जितने हमारे बड़े नेता, तो महंगाई के लिए जो लड़ाई है वो लड़ रही है। जैसे आप देखिए कि पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़े, सिलेंडर के दाम लगातार बढ़े, उससे जो आम उपभोक्ता है वो पूरी तरह से तनावग्रस्त है, उसी को लेकर उन्होंने ये भी कहा है कि महिलाओं को 3 सिलेंडर भी फ्री दिए जाए। तीन महिलाओं के लिए सिलेंडर फ्री दिए जाएंगे, इसका मतलब सिर्फ महिलाओं को उससे बेनिफिट नहीं होगा, उससे पूरे परिवार को बेनिफिट होगा। इन सारी चीजों से अगर हम एक महिला को आगे बढ़ाते हैं तो पूरा परिवार आगे बढ़ता है, ये सोचना हमें जरूर पड़ेगा, क्योंकि एक महिला बढ़ती है तभी जाके मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से कांग्रेस ने ये नया मोड़ दिखाया है, अलग चीज करके दिखाई, महिलाओं के बारे में इतना सोच रहे हैं, आरक्षण की बात की है वो भी 40%, आप क्या कहेंगे बीजेपी की तरफ से महिलाओं के लिए कितना आरक्षण दिया जा रहा है? अगर बात करें पार्टी की तो चुनाव में कितनी सीटें दी जा रही है महिलाओं को, और नौकरी के बारे में क्या कुछ विचार किया जा रहा है? मैं चाहूंगा मुझे एक मिनट का समय दिया जाए ताकि मैं अपनी ये कांग्रेस की महिला मित्र प्रवक्ता को पहले अध्ययन अध्यापन करके आए, इनके एक एक प्रश्न का उत्तर दूं। सबसे पहले उन्होंने बात की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं आपके आंकड़े के हिसाब से उठा के देख लें कि आपकी जानकारी के लिए बता दूं
कि इनकी सरकारों में हमारी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान था, 1000 पुरुषों के प्रति 990 स्त्रियां थी। और आज आप आंकड़े उठा के देख सकती हैं, आज आप गूगल पे सर्च करती हैं, आज सारी चीजें व्याप्त है। एक हजार 50 लड़कियों के पीछे 1000 पुरुष हैं। अब रही बात जुमलेबाजी की, आपने देखा कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में इनकी प्रियंका गांधी ने, जब हमारे मुख्यमंत्री ने कहा ठीक है आप सहायता के लिए 200 बसें लगाएं, तो उसमें टूटी हुई स्कूटियों के नाम, टूटे हुए टेम्पुओं के नाम, यहाँ तक कि कई कई गाड़ियां जो रही बात महिला सुरक्षा की बात, इनकी इनकी पार्टी की इनके राजकुमार बोलते थे यूपी को हम उत्तम प्रदेश बनाएंगे, वो यूपी से छोड़ के केरला के वायनाड चले गए, उसके बाद यूपी की इन्होंने सुध नहीं ली, इनके जो वादे बहुत खोखले हैं। आपने बड़ी सुनी है, आपने तो 70 लाख रोजगार की बात की, आपने कहा कि बेटी का भुगतान 24 दिन में करेंगे, कब करा आपने चलेंगे, 2014 में महिलाओं की सुरक्षा को पोस्टर पर कर लिया, उनकी संख्या भी बढ़ा दी, उसका भी जिम्मेदार ले रहे। इसके बाद इन्होंने झूठे दो युवाओं की सरकार इन्होंने साझा किया, उसका भी जवाब उत्तर प्रदेश की बुद्धिमान जनता जनार्दन ने दिया। देशबंधु जी, पिछला किस कैसा भी रहा हो कार्यकाल, लेकिन अब तो महिलाओं के बारे में सोच रहे, बीजेपी क्या सोच रही है, सुरक्षा की बात करी जाती है, महिलाएं जिनका पूरा का पूरा परिवार, जिस पार्टी के मुखिया का पूरा परिवार जेल में है, आप उनके कफन पर विश्वास कर सकती हैं, और या हमारे उत्तर प्रदेश या देश के वासी निवास करते हैं, निर्भया कांड को कोई नहीं भूला है, जमीन घोटाला हो, खनन घोटाला हो, टूटी घोटाला हो, महिलाओं के लिए क्या कुछ कर रही है सरकार, और इस वक्त जो इस तरह का मैनिफेस्टो सामने आया है कांग्रेस का, वो बता रहा है कि महिलाओं को प्रमुखता दी जा रही है और उनके मुद्दे उठाए जा रहे हैं। पूरा करना चाहता हूँ, क्या एक एक बेल पे छूटे हुए आदमी को, एक आपराधिक मानसिकता के आदमी को, प्रियंका गांधी के ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, वो एक अच्छी नेत्री है, फिर भी उनके पतिदेव आप देख रहे हैं बेल पर हैं, आपने उनके मंत्रियों के बारे में तो बोले नहीं, आप अपने जो नेता मंत्री हैं, जो कपड़ों पहनने पे टिप्पणियां करते हैं, जिन्होंने कोरोना जो जो ये कमरे में खाली ट्विटर जैसे लोग हैं, जैसे लोग इनके बारे में भी कुछ टिप्पणियां करी है, उत्तर प्रदेश की जनता उतनी तो हिम्मत नहीं है ना इनके अंदर, बाकी इनकी जो महिला नेत्री है उनके अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो गलत महिलाओं के लिए बात कर रहे हैं, महिलाओं की कांग्रेस का इतिहास नहीं जानने बैठे हैं, महिलाओं के लिए क्या करें, कितनी सीटें दे रहे हैं महिलाओं को, कांग्रेस का इतिहास पढ़कर आएंगे तब तो नहीं जानेंगे ना, इन्होंने कांग्रेस का इतिहास तो पढ़कर आते नहीं है कि महिलाओं के लिए क्या किया। फिर देखिएगा 2014 में उत्तर प्रदेश जो है किसानों के साथ तो आपका अत्याचार, देशबंधु जी मुझे अपना जवाब आपसे मिल नहीं पा रहा है, प्रियंका जी मैं आपके पास आना चाहूंगी, तो महिलाओं के लिए तो 40% की बात कर दी है, लेकिन कई ऐसे पुरुष हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और पढ़ते पढ़ते जीवन के उस पड़ाव पर पहुंच गए हैं जहां पर उनके सिर से बाल जा चुके हैं, नजरों पे चश्मा चढ़ चुका है, बेरोजगार है, नौकरी नहीं है, शादी नहीं हो रही है, और पूरी तरह से सिर्फ फोकस उनका सरकारी नौकरी पर है, और ऐसे लोग बेरोजगार हैं, प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या कुछ सोच रही है कांग्रेस। जैसा कि मैंने बताया आपको कि बीजेपी सरकार में बेरोजगारी लगातार बढ़ती चली जा रही है, इन्होंने 70 लाख रोजगार की बात करी पर ये 4 लाख का ब्यौरा नहीं दे पा रहा है। आपको याद होगा कि एक जो लेखपाल की भर्ती थी उसमें उस लेखपाल ने धन्यवाद भी किया उसको, जो है वह जो सरकार के ट्विटर हैंडल से बधाई भी दी गई, परंतु वो भर्ती हुई नहीं थी, उस बंदे को बाद में नेपाल जाना पड़ा। तो ये है बीजेपी की सरकार, झूठ और जुमलों की सरकार है। बाकी अगर हमारी बात की जाए तो हमने जो 20 लाख नौकरियां देने का वायदा किया है वो उत्तर प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए है, और उसके साथ में उसमें 40% महिलाओं की भी भागीदारी है,
और जिस तरह से देखिए आप पिछला इनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड अगर उठाकर देखेंगे तो 5 से 6 परीक्षाएं ऐसी हैं जो पेपर लीक हो गए। भ्रष्टाचार कितना ज्यादा है इनके कार्यकाल में, ये पेपर तक नहीं करा पाए। अभी लेटेस्ट में जो टीटीटी की परीक्षा होगी उसका जो है पेपर कहाँ छप रहा है, जो बीएड का गोदाम है उसके एड्रेस पे पेपर छप। देश बंधु जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी महिलाओं को कितना आरक्षण दिया जा रहा है? महिलाओं को आपने देखा, आप प्रतिनिधित्व की बात हो, आपने देखा इस संसद में, आप चाहे देख लें चाहे उत्तर प्रदेश की विधायिका में, सबसे ज्यादा हमारी पार्टी ने जनप्रतिनिधि भेजे हैं। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी महिला है। नौकरी के क्षेत्र में जहाँ तक नौकरी की बात देखी, पीएम के प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हो, मुख्यमंत्री रोजगार योजना हो, ODOP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना हो, तो जो प्रदर्शनकारी है, जो नौकरी के प्रदर्शनकारी देश बंधु जी, वो कौन है? 6 लाख से ज्यादा नौकरियां हमने 4.5 वर्ष के अपने कार्यकाल में, जब आरटीए के माध्यम से पूछा जाता है तो जवाब की सरकार ने 1.5 लाख की है। आप भी जानती होंगी, मैं प्रकरण को याद, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो है SDM प्रकरण में भ्रष्ट हुए, याद, ये थाने जो है यादवों की सरकार चलते थे, गुंडे माफिया सड़कों पे चलते थे। आज हमारे सरकार की ही उपलब्धि है कि 4.5 वर्ष में आप देश बंधु जी, मैंने सवाल किया कि जो भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें चाहे पुरुष हो या महिलाएं हो, नौकरी के लिए जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो कौन है और किसकी सरकार में है? देखिए, आपने जो प्रदर्शन कर बारी बात किया, प्रदर्शन नहीं कर रहा है इनकी सरकार में, किसान संघों पर बैठा रहा पूरे साल, बैठा पहले तो ये सब जाते हैं किसान तक कृषि कानून की सरकार को सड़कों पर रखना किया जाएगा, चाहे वो हमारे जी। बिल्कुल देश बंधु जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। प्रियंका जी, आप क्या कह रही हैं? आप अपनी पहले पूरी बात पूरी करिए। देखिए दीक्षित साहब जो कह रहे हैं, इनको ही समझने की जरूरत है। जो हमारा युवा है वो आए दिन सड़कों पर लाठी खा रहा है, उनको धमकी दी जा रही है, कहीं वो पानी की टंकी पर 7 साल घर से बैठा हुआ है। तो ये हमारे युवाओं का इन्होंने हाल बना रखा है। बेरोजगार जो है, जब इनका प्रधानमंत्री जी का जन्म दिन होता है तो बेरोजगारी दिवस सेलिब्रेट करते हैं। मैं समझती हूँ कि ये इनके कार्यकाल के लिए वाकई में ये कैसे अपनी सरकार को डिफेंड कर रहे हैं यहाँ बैठकर, इनके लिए बड़ा जो है हैट्स ऑफ है, ये बड़ा अभिनेता का काम कर रहे हैं, क्योंकि आज तक ये 4 लाख नौकरियों का ब्यौरा नहीं दे पाए जिनका ये नंबर थे। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस तरह से किसानों को इन्होंने अथाह परेशान किया, पिछले 1 साल से बेचारों को सड़कों पर रखा, ठंडी गर्मी जाड़ा बरसात, और तब ये पूरे साल इनके प्रवक्ता जो है वो किसान कानून के फायदे बता बता के थक गए, और उसके बाद अंतोगत्वा क्या किया, जब चुनाव आए, जब डर लगा कि नहीं अब किसान नाराज है, तो इन्होंने वापस ले लिया। अब आज दीक्षित जी से पूछिए कि यहाँ पर उस किसान कानून में खामियां क्या थी, क्यों वापस लेना पड़ा, तो ये नहीं बता पाए। एक ऐसी पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं जिस पार्टी ने जन आम जनता के लिए तो कुछ नहीं किया, बस हाँ अपने मित्रों के लिए तो उन्होंने बहुत कुछ किया, परंतु आम जनता को इन्होंने बिल्कुल त्राहिमाम करके छोड़ा। आप देखिए, इन्होंने 70 लाख रोजगार, इन्होंने कहा गन्ने का पेमेंट 24 दिन में हो जाएगा, गड्ढे भर जाएंगे और गांव बो देंगे, तो उन सबका क्या हुआ? इन्होंने 15 लाख 2 करोड़ रोजगार, इन सब चीजों के बाद बता दिए कि चुप गए। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि किस बेसिस पे जनता के बीच में जाएंगे, किस किसान नाराज, महिलाएं नाराज, जो उद्योग छोटे मोटे उद्योग थे वो पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में बंद होने की कगार पे हैं, वो सारे लोग नाराज हैं, बेरोजगार युवा नाराज हैं, बेटियां सुरक्षा ना मिल पाने के कारण नाराज हैं, तो ये किससे वोट मांगेंगे और एक कैसे जनता के बीच में? बिल्कुल देश बंधु जी, जवाब दीजिए, क्या कहेंगे इस पे? जितने सवाल किए गए कांग्रेस की तरफ से, क्या कहेंगे? मैं कांग्रेस की प्रवक्ता को पहले बताना चाहता हूँ। अभी दो युवा, आप ध्यान से मेरी बात को 1 मिनट सुनिएगा, आपके 2 राजकुमारों का अभी गठबंधन था 2019, वो समय जाने दीजिए, वो चला गया समय। आपने विकास किया था उसका यूपी की जनता ने दे दिया। दूसरी बात यह है, जिसका पूरा ये 70 साल पुरानी दलदल में कोरोना काल से लेके ट्विटर, आप कहीं सड़कों पर नजर नहीं आए, आप केवल ट्विटर पे टिप्पणी करके विकास के अरे तो आप आपके नेता मंत्री तो बेचारे खूब पत्र लिखे दुखी थे कि किसी को हॉस्पिटल नहीं दिला पा रहे, किसी को दवा नहीं दिला पा रहे, कि किस तरह से कोरोना काल में भ्रष्टाचार फैला, किस तरह से लाजमी हो चुकी है, क्या बात कर रही है आपके झूठे आंदोलन करने से, थोड़ी सच बदल जाता है। 40% वादे से
जनता कहीं भ्रमित होने वाली नहीं है। 2022 जनता भ्रमित महेश बंधु जी, हम यहाँ महिलाओं के लिए बात करने आए हैं और महिलाओं को सम्मान की बात करी जाती है, और महिलाओं का सम्मान तब होगा जब उन्हें नौकरी मिलेगी और वो रोजगार प्राप्त करेंगी, वो चाहे महिलाओं या फिर जो है पुरुष हो। महिला सम्मान को देखिए, आज हमारी केंद्र की सरकार ने पहली बार देखिए, इनसे पूछिए कि महिलाएं जब पानी की टंकी पर चली बैठी है पिछले एक साल से, कितने महीने लेती है समस्या दूर करी। इन्होंने कहा था कि आप जितनी भी जो है संविधान कर्मी उनको परमानेंट करेंगे, इन्होंने केवल बातें करने से नहीं होता है, अपने राय बलिली छोड़ के इनके माननीय अध्यक्ष युवा राजकुमार जुमले बात पार्टी बोल रही है कि वादे करने से कुछ नहीं होता, बातें करने खुद जुमले बोल रही है। महेश बंधु जी, मुझे आपके पास से कोई ऐसा जवाब नहीं मिला जो संतुष्टि दे सके कि महिलाओं के लिए बीजेपी क्या कर रही है। प्रियंका जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि छोटा सा जवाब दीजिए कि महिलाओं के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं सरकार आने के बाद, क्या सच में वो काम किए जाएंगे या फिर सिर्फ दावे और वादे जो सत्ता में आने के बाद भूल जाएंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी अपने पूरे इसको किसी घोषणा पत्र का नाम नहीं दिया है, उन्होंने प्रतिज्ञाओं का नाम लिया है, ये उनकी प्रतिज्ञाएं हैं और ये पूरी करने में पूरी तरह से सक्षम है। बाकी जिलों में भी, बाकी राज्यों में भी चुनाव है तो वहां के लिए क्यों नहीं? बिल्कुल होगा कि मैंने बताया जिस तरह से ये अभी एक एक स्टार्टिंग की गई उत्तर प्रदेश में, जिस तरह की महिलाओं की स्थिति है उसको इम्प्रूव करने के लिए पूरा प्लान बनाया गया है, और ये प्रतिज्ञाएं हैं जिसे पूरा करने में पूरी तरह से सक्षम है, रोड मैप है हमारे पास, हम इसके तहत पूरा काम करके ये हमने पूरा घोषणा पत्र बनाया है, ये एक दिन में नहीं तैयार हुआ। और प्रियंका जी खुद महिलाओं से मिलकर इन सारी समस्याओं से अवगत हैं और उन्होंने ये इसीलिए बनाया है ताकि महिलाओं का जो स्वाभिमान है, उनका सम्मान है, उनकी शिक्षा है, उनकी सेहत है, उनकी सुरक्षा है, उनका सम्मान है, ये सारी चीजें बनी रहेंगी। ये सिर्फ इसीलिए घोषणा पत्र तैयार किया गया है, ये शुरुआत है। बंधु जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, एक छोटा सा जवाब चाहूंगी कि आखिर क्या कर रही है बीजेपी महिलाओं के लिए? आप यह मान सकती हैं जिस कांग्रेस पार्टी ने श्री राम के अस्तित्व पे सवाल, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहती हूँ देशबंधु जी, मैं अपनी बात एक मिनट बीस सेकंड दीजिए, मैं सिर्फ 30 सेकंड है आपके पास। हाँ, श्री राम के अस्तित्व पे इनकार कर दिया, क्या आप उनकी प्रतिज्ञाओं और घोषणा पत्र पे आप विश्वास कर सकती हैं? आपने 31 साल में इनकी उत्तर प्रदेश में सारी जमीन धरातल पे खो चुकी है, 2014 में आपने देखा, 2017 में भी आपने देखा, 2019 में इनका क्या हश्र हुआ? मैं आपका फाइनल आंसर चाहती हूँ देशबंधु जी कि बीजेपी क्या कर रही है महिलाओं के लिए? एक तरफ कांग्रेस महिलाओं के लिए इतने बड़े कदम उठा रही है, दूसरी तरफ बीजेपी का क्या पक्ष है? नहीं, जब इनके कदम और केवल देखिए जुबानी जमे, जिनने श्री राम के जन्म आज जनेऊ पहन के अपनी जाति बताते फिरते हैं, आज मंदिर मंदिर इनके अध्यक्ष जी घूमते हैं जी, बिल्कुल तो मंदिर जाने का टेका क्या आप ही ने रखा है क्या कि कोई मंदिर भी आपसे पूछ के जाएगा ये आपने कोई रूल बना रहे हैं या क्या आपकी गवर्नमेंट ने कि किसी को मंदिर आपके मुद्दे से अलग कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं, हमारे पास वक्त की कमी है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। बीजेपी से हमारे साथ देशबंधु दीक्षित जी जुड़े थे और कांग्रेस से हमारे साथ प्रियंका गुप्ता जी जुड़ी थी। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा के लिए। तो जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से घोषणा पत्र आया है वो बता रहा है कि महिलाओं को लेके कांग्रेस चल रही है, वहीं हमने चर्चा की महिला को लेके कि आखिर बीजेपी क्या कर रही है। बीजेपी महिला की सुरक्षा की बात करती है, दावे करती है, वादे करती है, लेकिन अपराध अभी भी देखने को मिलते हैं, और इन्हीं चीजों पे हमने चर्चा की आज। महिलाओं को लेके कौन क्या कर रहा है, उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा से देखी गई है कि जाति धर्म पे और आधारित रहती है, और इस बार विकास देखने को मिला, विकास का मुद्दा देखने को मिला बीजेपी की तरफ से। जो भी विपक्ष के पास तमाम मुद्दे थे वो कहीं ना कहीं गायब होते नजर आए, तो कांग्रेस अपनी जमीन तलाशने के लिए महिलाओं का सहारा ले रही है। तो अब ये सवाल है कि क्या महिलाओं के जरिए कांग्रेस की नैया पार लग पाएगी? तो तमाम ऐसे सवाल है जो वक्त देगा। फिलहाल इस वीकेंड चर्चा में इतना ही, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।